फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं नेशनल साइंस सेंटर। मैं यहाँ पे एक बार स्कूल से आई हुई हूँ, लेकिन आज मैं अपने फैमिली के साथ जा रही हूँ। ये पूरा साइंस पे बेस्ड है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये दिल्ली की बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी प्लेस टू विजिट है। यहाँ पे अलग अलग शोज़ और राइड्स भी होती है और उसके अलग अलग प्राइजेज होते हैं। तो एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, जिन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। यह है ऊर्जा गेंद। ये इसका ऊर्जा गेंद का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रखा है। ये पूरा फिजिक्स पे बेस्ड है कि बॉल कैसे हम उसको डालेंगे तो वो एकदम से अपने आप जाएगी पूरे रास्ते। और यह है आदित्य एल्बन का मॉडल। यहाँ पे आके बहुत प्राउड फील होता है। यह है समुद्र जल जीवशाला, मरीन एक्वेरियम। इस एक्वेरियम में रियल कोरल रीफ और रियल के प्लांट्स और ये सब लगा रखा है, और फिश तो रियल होंगी। बहुत ब्यूटीफुल सीन है ये, और यहाँ इसको देख के ऐसा ही लगता है कि अगर हम सच्ची में सी बेड पे होते तो यही सीन होता। यहाँ पे बीच बीच में इंट्रैक्टिव बोर्ड्स लगे हैं, जिसमें देखो जैसे ये फिश के बारे में बेस्ड है, तो द वर्ल्ड ऑफ फिशेस, जिसमें हर एक फिश के बारे में और एक्वेरियम के बारे में और सारी वो सी के बारे में रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और जो हमारे डाउट्स है वो भी यहाँ पे क्लेरिफाई हो सकते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन पे एक गेम दिया हुआ था, टच स्क्रीन गेम था, जिसमें हमें वन फिश से दूसरी फिश पे हमें उसकी ट्यूब ज्वाइन करनी थी। ये बना तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसमें चल चल के थकोगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपके मन में क्यूरियोसिटी जगी रहेगी कि आगे और क्या क्या आएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। ये एरिया, ये वाला सेक्शन पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। मतलब यहाँ पे आके तो ऐसा ही लग रहा है कि हम पूरे डिफरेंट एरा में चले गए हैं। और यहाँ पे राम यंत्र और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और पीछे मैं आपको अभी दिखाऊंगी रियल के पुराने डॉक्यूमेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पे, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आर्टिकल्स हैं। और ये जो वॉल्स हैं वो ऐसे ही बनी हुई हैं कि जैसे पुराने हरप्पन सिविलाइजेशन में ऐसी वॉल्स वो इंस्क्राइब करते थे। और ये हैं वो पुराने आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स और हरप्पन सिविलाइजेशन के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन। ऐसी इतनी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ पहले पुराने टाइम में वॉल्स बनती थी, और यहाँ पे भी इतनी डिटेलिंग के साथ यहाँ पे डेकोरेशन हुई हुई है। ये है राम यंत्र। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ये शोपीस रखा हुआ है, ये एकदम प्रॉपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और कि ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे हुआ था, कैसे बना था, और ये सच्ची में वर्क करता है। ये है मिश्रा यंत्र। यह है सम्राट यंत्र। यह है गोला यंत्र। और यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग और बहुत फोकस से बनाई गई है। यह जल चक्र यंत्र, यह है पीठ यंत्र। हम तो सच्ची में हरप्पा में आ गए। अब ये हरप्पा की लाइफस्टाइल के बारे में ये दिखाया है, जो पुराने टाइम में टूल्स यूज़ होते थे, परफ्यूम्स कैसे पुराने टाइम में यूज़ होते थे, और क्या वो हंटिंग के लिए यूज़ करते थे, वो सब है यहाँ पे। देखो यहाँ पे पुराने टाइम के लोग भी इतने अच्छे से बनाए, इतने अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं। पुराने टाइम में ऐसी पॉटरी करते थे, ऐसे घर होते थे, और ऐसे ये रहते थे लोग, ऐसे क्लोदिंग होती थी, ऐसे वो ज्वेल्स पहनते थे, और ऐसे डेकोरेशन होती थी हाउस की, और बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड होके डेकोरेशन हुई है यहाँ पर। हिस्ट्री से निकलकर अब हम आ गए हैं साइंस की दूसरी ब्रांच में। यह प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यह एटम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन 2500 ईयर्स अगो। यह वर्ड न्यूमरल्स। यह है पुराने टाइम की केमिकल लेबोरेटरी। ये पहली इसमें दिखाया है कि पहले कैसे केमिकल का मिक्सचर होता था, पहले कैसी लेबोरेटरी होती थी, और कौन कौन से यहाँ पे ये टूल्स यूज़ होते थे। और यह है सुश्रुता की सर्जरी के बारे में। यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन यहाँ पे इतने सुंदर स्कल्पचर्स बने हुए हैं कि यहाँ पे पहली बार जैसे सुश्रुता ने सर्जरी की थी वो दिखाया गया है पूरा, और हम ऐसे इमेजिनेशन हमारी और बढ़ती है इसको देख के। और ये है पुराने टाइम के परफ्यूम्स, पहले कैसे मतलब फर्स्ट टाइम परफ्यूम्स बने थे, ये यूज़ हुआ था, और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन।
ये है द लॉस्ट बैग्स। यह है एंशियंट कॉइन मेकिंग। पहले कैसे पहली बार कॉइन्स बने थे और क्या क्या टूल्स यूज हुए थे और पहले कैसे कॉइन का डिज़ाइन था और वो कैसे डिज़ाइन चेंज हुए। ये है द मिराकल ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब जब ये ह्यूमन लाइफ पे बेस सेक्शन है तो देखो इसकी एंट्री कितनी सुंदर है। यह है लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स के बारे में, पूरे बोन्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यह है वेयर डज द साउंड कम फ्रॉम। तो इसमें एक छोटा सा रूम है और यहाँ पे चारों ओर स्पीकर लगे हैं, तो जब हम बटन प्रेस करेंगे एक स्पेसिफिक एरिया से आवाज़ आएगी और हमें गैस करना है कि वो कौन से डायरेक्शन से आ रही है। तो अगर हमारा गैस सही हुआ तो हमको पॉइंट्स मिलेंगे। यह है नेशनल साइंस सेंटर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। मुझे तो पूरे साइंस सेंटर में सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ यही लगी है। यह है प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी। ये जैसे पुराने ईरा में प्री हिस्ट्री में डायनासोर्स होते थे, तो उस ईरा में के बारे में पूरी इन्फो है यहाँ पे। डायनासोर्स की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, उनके नाम और सी डायनासोर सी क्रिएचर्स उनके बारे में सब कुछ बताया है, और डायनासोर्स से कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई है स्टेप बाय स्टेप। कि पहले जब डायनासोर्स थे, फिर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, और फिर जब ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए, मतलब मंकीज से ह्यूमंस इवॉल्व हुए, और जो ह्यूमंस की फर्स्ट थोड़ी एक्टिविटीज़ थी उनकी आपको झलक देखने मिलेगी, जैसे ह्यूमंस ने पहली बार फायर कैसे जलाई और पहली बार व्हील कैसे बनाया। और यहाँ पे इन्होंने जगह जगह बोर्ड्स लगा रखे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे फील एकदम वैसी ही है लाइट एंड साउंड के साथ, कि मतलब जैसे थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि डायनासोर्स देखो ऐसे मूव भी करते हैं, और लाइट एंड साउंड से और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और ये पूरा एकदम केव जैसा बना रखा था, डार्क केव जैसा। और ये आता है हमारे सेक्शन फन साइंस का। यहाँ पे फन में ही साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाए हैं। फ्रेंड्स देखो ये बहुत डीप वेल डक किया है यहाँ पे। नहीं मैं मजाक कर रही थी, ये साइंस यूज़ किया है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा वेल लग रहा है, बहुत डीप वेल लग रहा है, लेकिन है तो ये बहुत छोटा सा है। यह लूप द लूप, जैसे वहाँ पे ऊर्जा गेंद थी ना, ये काइंड ऑफ सिमिलर ही है लेकिन छोटा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आधी और मैंने तो यहाँ पे मतलब 5 मिनट तो यहीं स्पेंड कर दिए। यह जंपिंग डिस्क, इसमें ये बटन है, उसको जितना ज़ोर से प्रेस करोगे वो उतना ऊपर जाएगा, लेकिन साइंस यूज़ की है इसलिए समटाइम्स जितना आप लाइट प्रेस करोगे उतना ऊपर जाएगा। ये सेक्शन है परमाणु विद्युत दीर्घा का। ये जो बोर्ड है जिसको मैं टच करी वो है वर्ल्ड ऑफ स्टार्स के बारे में। यहाँ पे जैसे इंट्रैक्शन बोर्ड है ना, ये यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कुछ इंट्रैक्शन बोर्ड पे वीडियोस चलती हैं जब हम टच करते हैं, और कुछ टच एंड एक्सप्लोर के बोर्ड्स हैं जिसमें हम अपना डाउट लिख के डाउट क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्विज टाइम भी होता है, तो उसमें हम कुछ सीख के क्विज भी कर सकते हैं। ये है सन के बारे में। सन के बारे में तो हमें ज़्यादा पता ही है, तो यहाँ पे एक सन का मॉडल बना हुआ है और एक इंट्रैक्शन इन्फॉर्मेशन बोर्ड है जिसके ऊपर सन के बारे में एक वीडियो चलती है। ये है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ये बहुत मतलब अच्छा बना हुआ था, एकदम 3D था। बीच बीच में जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है उसमें सबसे मेजर साइंटिस्ट ने अपना कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे, उन साइंटिस्ट के बारे में भी बताया है। और यहाँ पे एक इंट्रैक्शन बोर्ड पे मैं अपना खुद का एटम क्रिएट कर रही हूँ, और जब मैं डन कर रही हूँ तो फिर वो सजेस्ट भी करते हैं कि आपको कितने एटम्स कितने न्यूक्लियर्स ऐड करने चाहिए। देखो जैसे मैंने यहाँ पर डन किया तो वो मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या ऐड करना है और क्या हमें इसमें से हटाना है। ये है लिफ्ट योर सेल्फ अप। ये इसमें दो चेयर्स थी लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही वर्क करती थी, लेकिन तो और आधी को उसमें बहुत मज़ा आ रहा था तो आधी ये चेयर छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए मेरे को करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे बहुत सारी इल्यूजन की चीज़ें भी थी, जैसे ये 3 मिरर्स आपको दिखाई दे रही है ना, उसमें आप कुछ मोटे लगते हो कुछ छोटे लगते हो, और मिरर मेज भी थी। ये है वाटर कैसे कंजर्व करना है, वाटर हमें बचा के रखना चाहिए, और वाटर के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे भी इंट्रैक्टिव बोर्ड्स थे और इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स थे, और ये मतलब हर चीज़ बोरिंग से बोरिंग टॉपिक भी है साइंस का, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा।
यहाँ पे आपको अपना वेट चेक कराना होगा और फिर आपको वो मशीन बताएगी कि आपके बॉडी में कितना वाटर है, और कुछ और दो तीन सेक्शंस थे तो वो बताएगा आपके बॉडी में कितना वो है और कितनी और रिक्वायरमेंट है। ये सेक्शन है 3D वाटर साइकिल के ऊपर, इसमें हमें वाटर साइकिल का पूरा दिखाया है। और ये थोड़ा ना मतलब यहाँ पे रियल की वाटर ये छोड़ते हैं तो फिर थोड़ा आपको नहीं दिखाई दिया होगा ले। और ये है यहाँ पे क्विज सेक्शन, यहाँ पे देखो हाउस के कितने सुंदर और क्यूट मतलब ये शो किया है कि हमें कहाँ कहाँ पे वाटर हम बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे घरों में वाटर वेस्ट होता है। एकदम ये मतलब बहुत क्यूट सा डॉल हाउस टाइप्स लग रहा था, और ये देख के तो सच्ची में ऐसा फील हो रहा है कि कहाँ कितना ज़्यादा हमारे घर पे ही वाटर वेस्ट हो रहा है और हम कितने अच्छे तरीके से उसे वाटर को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा वर्चुअल टूर दिया नेशनल साइंस सेंटर का, लेकिन फ्रेंड्स ये वर्चुअली देखने में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप खुद थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद जाओ नेशनल साइंस सेंटर में, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आप उसमें बहुत कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हो फन। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप एक बार तो आओगे लेकिन आप फिर आपका बार बार आने का मन करेगा। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सीखने में बहुत बोरिंग होते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स बोरिंग होते हैं वो यहाँ पे आके बहुत चुटकियों में आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ मैं आपको एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। बाय।